नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। कन्हैया कुमार ने झूठ बोला, अफजल गुरु के कार्यक्रम का समर्थन किया था। जेएनयू के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुच्छी ने दावा किया है कि जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी के खिलाफ विवादास्पद कार्यक्रम की इजाजत को रद्द किए जाने पर एतराज जताया था। जुच्छी ने बयान कुलपति एम जगदीश द्वारा गठित उच्च अधिकार प्राप्त जांच समिति के समक्ष दिया है। जुच्छी के अनुसार कन्हैया कुमार 9 फरवरी को कार्यक्रम की इजाजत को रद्द करने के अधिकारियों के फैसले के खिलाफ था। इस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्र विरोधी नारे लगाए गए थे। जुच्छी ने समिति से कहा कि शर्मा ने बाद में मुझे अफजल गुरु की न्यायिक हत्या पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का पर्चा दिखाया और कहा कि कुछ छात्र शाम 5 बजे साबरमती ढाबा में इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। रजिस्ट्रार ने आगे कहा कि जब विश्वविद्यालय ने इजाजत वापस लेने का फैसला किया तो कन्हैया ने इसे रद्द करने पर एतराज जताया था। आज महाशिवरात्रि पर्व की धूम, आतंकी अलर्ट के चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम। संपूर्ण भारत में आज सोमवार को महाशिवरात्रि पर्व मनाया जा रहा है। गुजरात के सोमनाथ मंदिर और उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। ऐसे में खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारियों और आतंकियों के नापाक मंसूबों के मद्देनजर दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश सहित सभी सीमावर्ती राज्यों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। गुजरात में तो एनएसजी की 4 टीमें पहले से ही भेज दी गई हैं। महाशिवरात्रि उत्सव पर गुजरात के कच्छ और अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, संवेदनशील इलाकों और मशहूर सोमनाथ मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जहां एनएसजी की टीम को तैनात किया गया है। पाकिस्तान के गुजरात के रास्ते भारत में 10 संदिग्ध लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों के भारत में घुसने की सूचना पुलिस को मिलने के बाद कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया। सूचना के बाद एनएसजी की 4 टीमों को पश्चिमी राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। अरुण जेटली ने कहा, देश विरोधियों का साथ देकर राहुल ने दिया वैचारिक पतन का परिचय। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उनके पिता राजीव गांधी, दादी इंदिरा गांधी और उनके परदादा जवाहरलाल नेहरू ने कभी राष्ट्र विरोधियों से सहानुभूति नहीं जताई, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसी ताकतों का समर्थन करके दुर्भाग्यपूर्ण खोखले वैचारिक पतन का परिचय दिया है। वित्त मंत्री ने वृंदावन में आयोजित भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्विदिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन के समापन भाषण में कहा कि जेएनयू में देश तोड़ने के नारे लगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक मुख्य धारा में ही रही कांग्रेस के नेता वहां सहानुभूति प्रकट करने पहुंच गए। जेटली ने आरोप लगाया कि कम्युनिस्टों ने संविधान बनने से लेकर चीन के आक्रमण तक राष्ट्र विरोधी रवैया अपनाया, लेकिन कांग्रेस सहित सभी राष्ट्रवादी पार्टियां व संगठन इसके खिलाफ हमेशा खड़े हुए। उन्होंने कहा, लेकिन आज एक विचित्र स्थिति बनी है, कोई याकूब मेमन तो कोई अफजल गुरु की याद में कार्यक्रम करना चाहता है। ऐसा करने वालों में एक छोटा वर्ग जिहादियों का है और बड़ा वर्ग साम्यवादियों का।